झारखंड शिक्षा परियोजना पूर्वी सिंहभूम की ओर से आज विद्यालय चले चलाए अभियान के तहत जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। उपायुक्त अमित कुमार कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। झारखंड शिक्षा परियोजना पूर्वी सिंहभूम की ओर से गोलमोरी उत्कल समाज एसोसिएशन में विद्यालय चले चलाए अभियान 2017 पर विशेष रूप से फोकस करते हुए एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। उपायुक्त अमित कुमार कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं जिला शिक्षा अधीक्षक बांके बिहारी सिंह, डीईओ राजकुमार प्रसाद, जिला परिषद अध्यक्ष बुल्लू रानी, उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह समेत प्रखंड स्तर के सभी पदाधिकारी शामिल हुए। हर बच्चे को शिक्षा से जोड़ने एवं कक्षा 1 से 12वीं तक की पढ़ाई निर्बाध जारी रखने के लिए छात्रों को आरटीई से जोड़ने की बातें कही गई। वहीं 5 साल से कम उम्र के बच्चों की पढ़ाई के लिए शिशु सदन शुरू करने पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान आंगनवाड़ी सेविकाओं को कई दिशा निर्देश दिया गया, साथ ही साथ राज्य में 0% ड्रॉप आउट का टारगेट भी निर्धारित हुआ। हमारी माननीय सचिव महोदया जो हैं स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के निर्देश पे पूरे राज्य में विद्यालय चले चलाएं अभियान 2017 चलाया जा रहा है। उसी क्रम में आज जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई यहाँ उत्कल समाज में पूर्वी सिंहभूम में। आज की कार्यशाला में हमारे उपायुक्त महोदय रहेंगे, जिला परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभी प्रखंडों के प्रमुख रहेंगे, सभी पंचायत के मुखिया को आमंत्रित किया गया है मुखिया जी को, उसके अलावा सभी प्रखंडों से प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड साधन सेवी, संकल साधन सेवी, परिवर्तन दल के सभी सदस्य, हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी, ये सारे हमारे आमंत्रित सदस्य हैं। आज का कार्यक्रम मुख्य रूप से फोकस किया गया है कि जो विद्यालय से बाहर रह गए बच्चे हैं उनको नामांकन कराया जाए। इस दौरान 10 से लेकर 26 तारीख तक यह अभियान चलेगा, उसमें सारे छूटे हुए बच्चों का नामांकन किया जाएगा। साथ ही साथ जो कक्षा 2 में बच्चे हैं वो 3 में जाएंगे, 100% बच्चों का पारगमन भी सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अलावा कक्षा 9 एवं कक्षा 11-10 पास किए हुए जो भी बच्चे हैं, कक्षा 8 पास करके उनका 100% नामांकन 9 में और कक्षा 10 पास किए हुए बच्चों का 100% नामांकन 11 में, ताकि कोई भी बच्चा जब कक्षा 1 में आए तो कक्षा 12 तक की पढ़ाई सुनिश्चित हो। ये इस अभियान का मुख्य लक्ष्य यही है कि सभी बच्चे कक्षा 1 में नामांकित हों तो कक्षा 12 तक की पढ़ाई पूरी हो। टोला डोमरी में छेड़खानी के मामले के बाद 2 समुदाय में विवाद गहरा गया था। जेल भेजे गए हीरा सिंह के समर्थकों की तरफ से बीती रात पीड़ित पक्ष के घर पर पथराव किया गया। वहीं मंगलवार की सुबह सिख समुदाय ने भी एकजुटता का परिचय देते हुए विरोध मार्च निकाला। बीती रात चुला जोंगरी में छेड़खानी के मामले को लेकर गिरफ्तार हीरा सिंह के समर्थन में पीड़ित पक्ष के घर पर पथराव के बाद मामला काफी तनावपूर्ण हो गया था, जिसके बाद पीड़ित पक्ष ने भी आवाज बुलंद की। पुलिस प्रशासन को सूचना मिलते ही उन्होंने मोर्चा संभाल लिया। एसएसपी, सिटीएसपी समेत तमाम पुलिस पदाधिकारी मामले पर पैनी नजर बनाए हुए थे। वहीं उपद्रवियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। वहीं आज हीरा सिंह के समर्थन में सिख समाज के लोग एकजुट हो गए और विरोध मार्च निकाला। मार्च एसएसपी कार्यालय पर आकर प्रदर्शन में तब्दील हो गई। यहां जमकर सरकार विरोधी नारे भी लगाए गए और हम लोगों ने ये भी कहा है कि वो जो लड़का है उसका भी जांच करके उस पर जो है कार्रवाई किया जाए, अगर वो अगर निर्दोष है तो उसको छोड़ा जाना चाहिए और दोषी है तो अरेस्ट का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका जांच होना चाहिए, क्योंकि अभी जो मामले जो परिस्थितियां कुछ बातें और भी तरह की बाहर से निकल रही हैं तो उससे भी ऐसा लगता है कि भाई कुछ संदिग्ध की स्थितियां हैं, पहले भी कोई झगड़ा झुगड़ा था ऐसा कुछ था, तो जांच होना चाहिए। कोई भी एक्सपोजर जांच होगा उस पर जो कार्रवाई है, और कार्रवाई अगर 2 दिन के अंदर कार्रवाई नजर नहीं आई तो हम लोग फिर ये जन आंदोलन जो आज तो हम लोग यहाँ से लेके आज आश्वासन मार्चा जो है एसएसपी साहब के आश्वासन पर आज हम लोग यहाँ से विड्रॉ कर रहे हैं। बेसिकली एक छेड़खानी का मामला रिपोर्ट हुआ था और छेड़खानी में अरेस्टिंग हुआ है और उसके बाद जो है जो अक्यूज पक्ष और वादी पक्ष के बीच में जो है पथराव का घटना हुआ है और पूरा प्रकरण का जो है मैंने डीएसपी से जो है जांच करके रिपोर्ट भी मांगा है और डीएसपी के असर से जो उसका जांच रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगा और जो भी है कार्रवाई प्रक्रिया है उस हम लोग पूरा करेंगे। जहां जो भी ऑफेंस रिपोर्ट होता है उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे और पूरा इलाका में शांति बनाए रखने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। सभी समुदाय का सभी लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं और लोग कोऑपरेट भी कर रहे हैं और सभी समाज का जो है जो वरिष्ठ लोग हैं सबको समझा रहे हैं और मामला सेटल हो जाएगा। उसके बाद जो ऑफेंसेस है ये छेड़खानी हुआ है उसमें कार्रवाई होगा, यदि मारपीट हुआ है या पथराव हुआ है उसमें जो कानूनी कार्रवाई जो होना है वही होगा। जमशेदपुर में सीवरेज लाइन में काम कर रहे
दो कर्मचारियों को गैस लगने से दोनों की स्थिति बिगड़ते देख टाटा स्टील अग्निशमन विभाग के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन कर उन्हें बाहर निकाला गया, जिनका इलाज टाटा मेन हॉस्पिटल में चल रहा है। जमशेदपुर के कदमा थाना अंतर्गत हिंद क्लब के पास सीवरेज लाइन की टंकी में सफाई का काम जिसको के द्वारा चलाया जा रहा था, इसी क्रम में सफाई कर्मी के द्वारा टंकी में उतरकर सफाई की जा रही थी कि अचानक सफाई कर्मी को गैस लगने से उसकी स्थिति बिगड़ते देख उसके सहकर्मी ने भी टंकी में उतरकर अपने साथी को बचाने का प्रयास किया, मगर वो भी थोड़ी देर में गैस की चपेट में आ गया। शोर शराबा सुनकर स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना तत्काल जुस्को के वरीय अधिकारियों को दी, जुस्को के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए टाटा स्टील अग्निशमन विभाग की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर दोनों को बाहर निकाला गया, जिनका इलाज टाटा मेन हॉस्पिटल में चल रहा है, जहां एक कर्मचारी की स्थिति नाजुक बनी हुई है। वहीं घटनास्थल पर मौजूद स्थानीय भाजपा नेता नंदजी प्रसाद ने कहा कि सफाई के क्रम में ये घटना घटी है, कंपनी के प्रयास से दोनों को बाहर निकाला गया है। जानकारी जो मिली है वो ऐसा है कि कोई मैन हॉल है यहाँ पे गया हुआ था और यहाँ पे कुछ सफाई के लिए लोग घुसे और एक लेबर, और वो लेबर शायद उसको गैस मारा और वो रह गया। अभी टिस्को के जो और काफी देरी था, हमको लगता है एक डेढ़ घंटा रह गया है अंदर, और अभी उसको निकाला गया है। निकाल के टिस्को के सिक्योरिटी वाले ने अच्छा है हुआ बढ़िया से निकाला गया है और हॉस्पिटल गया है। आशा है आज बजरंग बली का दिन है और गणेश विषय है उसका जीवन वापस आ जाए, ये हम लोग का दुआ है, यही हम लोग का आग्रह है। मंगलवार को हनुमान जयंती के दिन जमशेदपुर शहर के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली, सभी ने महाबली हनुमान की विधिवत पूजा अर्चना की। चैत्र मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन महावीर बजरंग बली हनुमान महाप्रभु की जयंती मनाई जाती है। जमशेदपुर शहर में इस मौके पर सभी हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। इस दौरान पुरुष और महिलाओं ने महावीर की पूजा कर अपने और अपने परिवारजनों के लिए खुशियों का आशीष मांगा। आज हम हनुमान जी का जन्मदिन मनाते हैं, इसी के अवसर पर मंदिर आए हुए हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं कि साल भर हमारे घर में सुख शांति बनी रहे और सबका आर्थिक स्थिति जो भी है सब चीज सब ठीक रहे, इसीलिए हम लोग हनुमान जी का पूजा करते हैं। फिर हम लोग आज मंदिर आए घर की सुख समृद्धि शुभकामना के लिए, और ये हर वर्ष हम लोग आते हैं और अभी इससे पहले भी रामनवमी में हम लोग आए थे, तो इससे थोड़ा अच्छा लगता है और थोड़ा सा अच्छी महसूस होती है। मुसाबनी के सूरदा माइंस और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के IRS कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। वैसे ये सभी कर्मचारी अपनी न्यूनतम मजदूरी की मांग को लेकर कंपनी गेट के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। इनकी मांग है कि भारत सरकार के श्रम नियोजन विभाग ने पूरे देश भर में मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी 40% बढ़ा दी है, लेकिन हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और सूरदा माइंस के कर्मचारियों को इसका लाभ अभी तक नहीं मिल पाया है। वैसे 2 माह इस आदेश के आए हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इन कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल पाई है। हालांकि न्यूनतम मजदूरी की मांग को लेकर ये सभी कर्मचारी, जिनकी संख्या लगभग 1400 है, वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। उधर कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से कंपनी के प्रोडक्शन पर बुरा असर पड़ सकता है। देखिए, मजदूर के हम जितने भी प्रतिनिधि विगत 2 महीना से, जब से 19 जनवरी से ये बढ़ोतरी हुआ है, तब से हम लोग मैनेजमेंट से मैंने ज्ञापन पे ज्ञापन देते जा रहे हैं। हम लोग अपना स्तर से टोकन स्टक भी किए 2-3 बार मजदूर माइस में, उसके बाद भी मैंने यहाँ के IRL मैनेजमेंट या SCL का मैनेजमेंट मजदूर के प्रति किसी प्रकार का उनको पैसा बढ़ोतरी का ऊपर किसी प्रकार का सोचते हैं। सिर्फ ये एक खाली एक सब बोला जा रहा है कि इसके लिए वार्ता चल रही है, और यहाँ जो मान्यता यूनियन है वो भी यहाँ के मजदूर का जो भलाई करने के अनुरूप वो दूसरा काम कर रही है। यहाँ जो मतलब मैनेजमेंट के साथ वो दलाली कर रही है, और यहाँ का जो मजदूर का जो हक मिलना चाहिए वो मजदूर को हक नहीं दिला के मैनेजमेंट का हक दिला रहा है। स्पीक आउट मर्द का संदेश देने विशाखापट्टनम से मोहम्मद ख्वाजा शरीफ बुलेट से भारत भ्रमण पर निकले हैं। मंगलवार को जमशेदपुर बुलेट क्लब ने उनका स्वागत किया। देश भर में हो रहे घरेलू हिंसा में पुरुषों का मौन रहना गलत हो सकता है, ये कहना है विशाखापट्टनम के मोहम्मद ख्वाजा शरीफ का। इनका मानना है कि पुरुषों को भी खुलकर बोलना चाहिए और उन पर भी जो अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ
खड़े होना चाहिए। इसे को लेकर पूरे देश में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से वे बुलेट पर देश भ्रमण के लिए निकल पड़े हैं और न केवल भारत देश बल्कि पड़ोसी देशों का भी भ्रमण उनके द्वारा किया जा रहा है। मेरा नाम अमीन शरीफ है, मैं आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में रहने वाला हूँ। मैं 24 जनवरी को मैं अपना राइड शुरू किया अपने होम टाउन विशाखापट्टनम से, वहाँ से लेकर मैं हैदराबाद गया तेलंगाना, वहाँ से कर्नाटका, वहाँ से होते हुए गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, चंडीगढ़, यूपी से लखनऊ से होते हुए मैं नेपाल गया। नेपाल के बाद मैं आ गया सिलीगुड़ी, बाद में पूरा सेवन सिस्टर्स नॉर्थ ईस्ट कवर करने के बाद भूटान हुआ, भूटान से मैं सिक्किम होके वहाँ से लेकर मैं निकला बिहार को, बिहार से लेकर रांची आया, रांची से अभी जमशेदपुर। क्या मोटिव? मेरा मोटिव ये है कि मैं एक मोटिव लेके चल रहा हूँ, उसका टाइटल है कि इट्स टाइम टू स्पीक आउट मर्द अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस ऑन मैन, जो कि मर्दों पे हो रहा है घरेलू अत्याचार के इस ये कॉज लेके मैं निकला हूँ। आज के ज़माने में अभी हमारे भारत में अगर आप रिकॉर्ड्स देखने से हर 8.5 मिनट को एक पति जो कि पीड़ित है घरेलू अत्याचार का वो आत्महत्या कर रहा है, और ना ही और जो भी 498 केस एंटी दौरी हेरासमेंट केस जो भी है वो 80% से ज़्यादा फॉल्स केसेस हो रहे हैं। जमशेदपुर के मानगो डिमना क्षेत्र में 232,000 वोल्ट का हाई टेंशन बिजली तार गिर जाने से क्षेत्र में आवागमन बाधित हो गया है। वैसे ये लाइन रांची से खड़गपुर का मुख्य लाइन है। बताया जाता है कि ठीक तार के बगल से फ्लैट का निर्माण कार्य हो रहा था, जिसमें लगा बांस का भाड़ा बिजली के तार पर गिर पड़ा और तार काफी नीचे लटक चुका है। हालांकि इसकी सूचना क्षेत्र के लोगों को लगते ही सभी ने मुख्य सड़क का आवागमन को रोक दिया, जिसके बाद विद्युत विभाग के कर्मचारी लाइन को ठीक करने में जुट गए हैं। तार है और उस पर गिरा है बांस बल्ला। किसका बांस गिरा है? अब वो फ्लैट है, होटल बन रहा है, क्या बन रहा है ये तो नहीं बतला सकते हैं। ये लाइन कहाँ से कहाँ जाता है? ये जाता है खड़गपुर। कहाँ से आ रहा है लाइन? ये आ रहा है इधर से। कहाँ से? कितना लाइन है, कितना वोल्टेज है इसमें? 232,000 कोलकाता है। बारेडे दुर्गा पूजा मैदान में आंध्र भक्त वाणी मंडली की ओर से श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। आज पूर्णिमा के अवसर पर कुमकुम पूजा का विधिवत आयोजन हुआ। आंध्र भक्त वाणी मंडली की ओर से श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ का विशाल आयोजन चल रहा है। दक्षिण भारतीय विधि से धार्मिक कार्यक्रम को सम्पन्न कराया जा रहा है। आज पूर्णिमा के तहत कुमकुम पूजा का विधिवत आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। रामनवमी त्योहार को ध्यान में रखते हुए आंध्र भक्त वाणी मंडली की ओर से इस धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है। आज बारी मार्केट पूजा मैदान में है, मंडलवार है, लवन तारीख है, आज पूर्णिमा है। आज स्वामी जी का पट्टाभिषेकम होगा, शाम को कुमकुम अर्चन होगा, वो 6 बजे के होगा शाम में। जमशेदपुर के सुनार स्थित कुम्हारपाड़ा से श्री आदि शक्ति गायत्री देवी पूजा का शोभा यात्रा निकाला गया, जो सुनारी के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए दो मुहानी नदी घाट पर पहुंचा। वैसे इस पूजा को मां मंगला देवी की पूजा भी कहा जाता है। बड़ी संख्या में महिलाएं इस पूजा में शामिल होती है। कहा जाता है कि इस पूजा में महिलाओं के ऊपर माता का वास होता है, जिस कारण से महिलाएं शोभा यात्रा में झूमती नजर आती है। इस शोभा यात्रा में लाल रंग की साड़ी पहनकर सभी महिलाएं शामिल हुई। कतारबद्ध होकर ये शोभा यात्रा दो मुहानी नदी घाट पर पहुंची, जहां दिन भर पूजा अर्चना के बाद शाम को कलश विसर्जन के साथ पूजा का समापन हुआ।
खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए एएमजी न्यूज के साथ। हीमोफिलिया सोसाइटी जमशेदपुर चैप्टर की ओर से सोसाइटी के स्थापना दिवस को ध्यान में रखते हुए ब्लड बैंक परिसर में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। जमशेदपुर ब्लड बैंक परिसर में हीमोफिलिया सोसाइटी जमशेदपुर चैप्टर के स्थापना दिवस के अवसर पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। हीमोफिलिया पीड़ितों के सहायतार्थ आयोजित इस कैंप को सफल बनाने के लिए संस्था के सदस्यों के अलावे अन्य लोगों ने सराहनीय योगदान दिया। सोसाइटी की ओर से ये 17th ब्लड डोनेशन कैंप था। हम लोग हीमोफिलिया सोसाइटी जमशेदपुर चैप्टर का स्थापना दिवस है, तो हर साल हम लोग स्थापना दिवस में ब्लड डोनेशन कैंप बना के हम लोग मनाते हैं। आज जितना भी ब्लड कलेक्शन होगा ये सब हीमोफिलिया पेशेंट के लिए दिया जाएगा। कितना बोतल का लक्ष्य? हम लोग 50 बोतल का लक्ष्य रखे हैं, कोशिश कर रहे हैं उससे भी ज्यादा कलेक्शन हम लोग को आए। कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए भाजीमो की ओर से साक्षी में कैंप लगाकर भीम ऐप के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से साक्षी आई हॉस्पिटल के सामने कैंप लगाकर भीम ऐप के संबंध में आम लोग तथा व्यवसायियों को जानकारी दी गई। लोगों से भीम ऐप को डाउनलोड कर कैशलेस ट्रांजेक्शन से जुड़ने की अपील भी की गई। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्र अध्यक्षा बहन पूनम महाजन जी के निर्देश पर भीम ऐप मोबाइल में लोड करने का कार्यक्रम साक्षी में रखा गया है। इसमें हमने सभी दुकानदार भाइयों, आम राहगीरों सभी से निवेदन किया है कि अपने मोबाइल पर भीम ऐप लोड करें, जिससे कि आप और कैशलेस को बढ़ावा दें। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें।